नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टिगेटिव और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग के बारे में। इन दोनों प्रकार की जो रिपोर्टिंग है, इसमें क्या अंतर है और क्या इसकी नेचर है, किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है। दोनों काफ़ी पॉपुलर टाइप ऑफ रिपोर्टिंग है, लेकिन अक्सर विद्यार्थी इसको लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंसेस हैं और ये किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले हम समझेंगे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग यानी खोजी पत्रकारिता। जो खोजी पत्रकारिता होती है वो काफ़ी एक तरह से पॉपुलर है और उसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं और साथ ही नए मामलों का पर्दाफाश करती है। यानी जो घटनाएं आपको सामने दिख रही होती हैं, जैसे हार्ड न्यूज़ हैं, कहीं कोई प्रोग्राम हुआ, कहीं कोई उद्घाटन है, कोई फंक्शन है, उसकी कवरेज आप देखते हैं लगातार समाचार पत्र में होती है। लेकिन जो खबरें छुपी होती हैं पर्दे के पीछे, यानी उन खबरों को कवर करना जो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, लेकिन वो खबरें अगर बाहर आएँ तो वो उससे कहीं ना कहीं लोगों का हित होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर होता है और वो सबके काम की होती हैं। खासकर जब कोई बड़ा घोटाला होता है उसका पर्दाफाश होता है। कई बार ऐसा हुआ है, हिंदुस्तान में कई ऐसे मामले हुए हैं जब खोजी पत्रकारिता के जरिए बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। चाहे वो हम बोफोर्स मामले की बात करें, चाहे हम चारा घोटाले की बात करें, ये जो अलग अलग इशू हैं, जो अलग अलग स्कैम हुए हैं, ये जो सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं खोजी पत्रकारिता के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आए हैं। यानी खोजी पत्रकारिता में एक जो रूटीन की आपकी रिपोर्टिंग है, उससे हटके आप कुछ ऐसे मामलों पर काम करते हो जहाँ पे आपको संदेह होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पुल का निर्माण हुआ है और आपको एक रिपोर्ट मिली है कि उस पुल के निर्माण का जो बजट है वो 500 करोड़ है, लेकिन आपको अपने सोर्सेज से पता लगा कि जो 500 करोड़ है उसमें से सिर्फ 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 100 करोड़ रुपया जो है वो कॉन्ट्रैक्टर या कुछ लोगों ने उनकी मिलीभगत से वो हजम कर लिया गया और पुल के निर्माण में वो नहीं लगा, जबकि कागज़ में दिखाया गया 500 करोड़। तो 100 करोड़ जो रुपए हैं वो कैसे उनको हजम किया गया, कैसे उनको लेके करप्शन हुआ, उस चीज़ को बाहर लेके आने के लिए जो जिस प्रकार की रिपोर्टिंग एक रिपोर्टर करता है उसको खोजी पत्रकारिता कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कहते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया, इसमें स्कैम है, स्टिंग ऑपरेशन इसको हम कहते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत रहता है इसमें। जैसे कि हार्ड न्यूज़ रूटीन की कवरेज आप करने जाते हैं उसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए आपको बहुत बड़े ख़तरे मोल लेने पड़ते हैं। आपको कई बार आप स्पाई कैमरा आप यूज़ करते हैं, कई बार आप एक तरह से चोरी छिपे उस घटना को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत रहता है एक रिपोर्टर के लिए। जान की बाजी लगाकर उसको खोजी पत्रकारिता करनी पड़ती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जेसिका लाल केस है, जिसको जेसिका लाल जो मर्डर केस था उसको अगर दोबारा उठाया गया और जो आरोपी थे उनको दोषी साबित करवाने में मीडिया का एक बहुत अहम योगदान रहा और वहाँ पर खोजी पत्रकारिता का नमूना हमें देखने को मिला। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था, मानव तस्करी का जो केस था, इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट रहे अश्विनी सरीन ने उस मामले को उठाया और मानव तस्करी से जुड़े एक बहुत बड़े मामले का उन्होंने पर्दाफाश किया। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं हिंदुस्तान में जहां खोजी पत्रकारिता के जरिए न केवल बड़ी बड़ी चीज़ों को सामने लाया गया है, बल्कि उसके जरिए पब्लिक वेलफेयर या जनहित की चीज़ें की गई हैं। दूसरी तरफ इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें, यानी व्याख्यात्मक एक तरह से रिपोर्टिंग आप कह सकते हैं, जर्नलिज्म आप कह सकते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से बिल्कुल भिन्न है। ये बिल्कुल सामने आपके होती है, जैसे न्यूज़ के जो पीछे न्यूज़ छुपी हुई है, यानी टू फाइंड आउट द न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़। जैसे बजट आता है, आम बजट आपका आता है, तो उस आम बजट को लेके जो सरकार ने अपना पक्ष रखा कि हमने आम बजट के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं, इस वर्ग के लिए हमने ये दिया, इस वर्ग के लिए हमने ये दिया, तो सरकार जाहिर तौर पर अपनी उन जो खास चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एजेंसीज़ के ज़रिए या उसके जो प्रेस नोट हैं PIB के ज़रिए उसमें वो झलकेगा जो उन्होंने अच्छा किया है। अब उस वास्तव में वो क्या किसी वर्ग के लिए अच्छा उस बजट में है, उसको समझना, आम आदमी के लिए उस बजट को साधारण भाषा में हर एंगल से कवर करते हुए आसान भाषा में उसको प्रस्तुत करना और एक्सपर्ट्स की राय जानना कि ये बजट किसानों के लिए इसमें क्या है, विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, बिजनेसमैन के लिए इसमें क्या है, यानी जितने भी समाज में वर्ग हैं उन सब के लिए इसमें वास्तव में कुछ है या नहीं है, या सरकार वैसे ही कह रही है। तो रिपोर्टर उसमें खुद का अपना एक सेल्फ एनालिसिस करता है, खुद के अपने दिमाग से उसका एनालिसिस करता है, साथ ही उस विषय के जो एक्सपर्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया कानून बन के आता है और उस कानून पे लगता है एक रिपोर्टर को कि इस पे जो कानूनविद हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनकी अगर राय ली जाए तो लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सकता है।
क्योंकि रिपोर्टर खुद हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता, हालांकि उसको मैक्सिमम चीज़ों की नॉलेज होती है लेकिन हर चीज़ का एक्सपर्ट वो नहीं होता। एज ए विशेषज्ञ वो दूसरे लोगों की राय लेता है और एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ उस घटना की, उस खबर की बिल्कुल तह में जाता है। चाहे बजट की बात करें, चाहे कोई फॉर एग्जांपल अगर किसी देश के साथ हमारा वॉर हुआ है, युद्ध हुआ है, तो ये केवल जो हार्ड न्यूज़ की रिपोर्टिंग है वो आपको सिर्फ ये बताएगी कि लड़ाई तब से तब तक हुई, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, लेकिन इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग आपको ये बताती है कि आखिर लड़ाई हुई क्यों, युद्ध की वजह क्या है, इस युद्ध के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। यानी ये जो युद्ध आजकल चल रहा है, इसके 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारे जो जिन देशों के बीच में युद्ध चल रहा है उनके रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, सामाजिक सांस्कृतिक जो माहौल है उस पर क्या असर पड़ेगा। यानी एक खबर से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने पहलू हैं, उन सब पर विश्लेषण करना एक्सपर्ट की राय के साथ और उसके हर पहलू को का समावेश करते हुए पूरी घटना का पोस्टमार्टम एक तरह से करना इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग के अंतर्गत है। तो इस प्रकार आज हमने डिस्कस किया इन्वेस्टिगेटिव और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग के बारे में। जहाँ एक तरफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग खोजी पत्रकारिता, जो पर्दे के पीछे छिपी घटनाएं हैं जिससे समाज अनभिज्ञ है, वो सबके सामने लाता है, लेकिन उद्देश्य ये होता है कि जनहित हो, पब्लिक वेलफेयर हो, और जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, चाहे एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी संगठन विशेष के द्वारा, और जिससे समाज का नुकसान हो रहा है, उनको सबके सामने लेके आना ताकि उसका पर्दाफाश हो, इस मकसद से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की जाती है। और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग जो है वो भी पाठक को एक घटना, एक समाचार के सभी पहलुओं से अवगत करवाने के लिए, सभी पहलुओं को बारीकी से समझाने के लिए इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग की जाती है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।